हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की वीडियो का टॉपिक है न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वॉच दिस वीडियो केयरफुली टिल एंड। तो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो आज की फर्स्ट कंट्री है ईरान, और ईरान के न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसी। ओके, अब हमें इसे कैसे ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या लिखा है ना, ईरान, तो ईरान से क्या समझ में आ रहा है, रैन। ओके, तो रैन या रन, तो रन हम क्यों करते हैं, जब हम भागते हैं। ओके, तो भागते हैं यानी कि रेस करते हैं, तो रेस से क्या हो जाएगा फिर, रईसी। ओके, सो बस इब्राहिम रईसी को न्यूली अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। नेक्स्ट है मलेशिया, और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं इस्माइल साबरी याकूब। ठीक है, तो हमें इसे कैसे ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या लिखा है ना, मलेशिया, तो माल एशिया का, तो कैसे ध्यान रखना है कि जो माल है एशिया का ना, तो जब भी वो एशिया में आएगा जाएगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे भेजेंगे, थ्रो मेल, तो मेल यानी कि इस्माइल साबरी याकूब, राइट। नेक्स्ट है हंगरी, और हंगरी के प्राइम मिनिस्टर हैं विक्टर ऑर्बन, और प्रेसिडेंट है न्यूली अपॉइंटेड कैटलिन नोवाक। सो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों ही न्यूली अपॉइंटेड हैं। सो अब बात हो रही है यहाँ पे हंगरी की, तो सबसे पहले हम प्राइम मिनिस्टर को देखेंगे। सो यहाँ क्या लिखा है ना, हंगरी, राइट। तो जब आप हंगरी होते हैं ना, तो किसी आप रेस्टोरेंट में जाओगे तो सबसे पहले वहाँ पे जाके किसको बुलाते हैं, वेटर को, कहते हैं हे वेटर, तो हे वेटर यानी कि विक्टर ऑर्बन। ओके, अब हमें याद करना है प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट लिखा है ना, न्यूली अपॉइंटेड कौन है, कैटलिन नोवाक। तो फिर से कैसे रिलेट करना है, हंगरी, तो जब हम हंगरी होते हैं ना, तो घर पर रहते हैं तो फटाफट से क्या दिमाग में आता है, अरे यार भूख लग रही है, चलो मैगी बना लेते हैं, है ना। तो क्या कहते हैं, चलो यार मैगी बना ले, और मैगी का कैसे खाते हैं हम, कांटे वाले चम्मच से, तो कांटा यानी कि कैटलिन नोवाक। ओके, सो प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगी, कैटलिन नोवाक, और प्राइम मिनिस्टर कौन हो जाएंगे, विक्टर ऑर्बन, कहाँ के, हंगरी के, राइट। नेक्स्ट है जर्मनी, और जर्मनी के प्रेसिडेंट है न्यूली अपॉइंटेड फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर, राइट। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है ना, जर्मनी की, तो जर्मनी से हमें कैसे ध्यान रखना है, जर्मनी यानी कि जर्म्स। सो कोविड के टाइम पे ना, जब कोविड बहुत ज़्यादा था पूरे वर्ल्ड में, तो क्या अवेयरनेस स्प्रेड होती थी कि आपको अगर जर्म से बचना है तो डेली अपना हैंड वॉश करो, बार बार हैंड को वॉश करो, किससे, वाटर से, तो वाटर यानी कि वॉल्टर। तो बस कौन हो जाएंगे, फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर, प्रेसिडेंट जो न्यूली अपॉइंटेड है कहाँ के, जर्मनी के। ओके, नेक्स्ट है फ्रांस, और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर है न्यूली अपॉइंटेड एलिजाबेथ बॉर्न। ओके, और ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर है फ्रांस की, तो कैसे ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या लिखा है ना, फ्रांस, तो फ्रा यानी कि फ्राई, तो फ्राई करके ना ब्राउनी बनाई जा रही है, तो फ्राई कर रहे हैं ब्राउनी बनाने के लिए, तो ब्राउनी यानी कि बौर्नी। सो एलिजाबेथ बॉर्न को अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, राइट। नेक्स्ट जो ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के न्यूली प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं एंथनी एल्बन से। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है ना, ऑस्ट्रेलिया की। सो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा क्या फेमस है, किस लिए ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है, अपने कंगारू के लिए, अपने कैंगरू के लिए। तो क्या कहा जा रहा है ना, कि जितने भी कंगारू हैं उनको किल करना बैन है, यानी कि ऑल कंगारू को किल करना बैन है, तो ऑल बैन यानी कि अल्बेंसी। सो बस एंथनी अल्बेंसी को अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का। ओके, नेक्स्ट है चिली, और चिली के न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट हैं गैब्रियल बोरिक फॉन्ट, और ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं चिली के। ओके, तो आपको ध्यान रखना है द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ चिली कौन बने हैं, गैब्रियल बोरिक फॉन्ट हैं। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है ना, चिली की, तो चिली यानी कि मिर्च, तो जब आप ज़्यादा मिर्च खा लोगे ना, तो ज़्यादा मिर्च खा ली, ज़्यादा चिली खा ली तो बहुत रोओगे, तो कैसे ध्यान रखना है, ज़्यादा मिर्च खा ली तो बहुत रोओगे, तो बहुत रो यानी कि बोरो, बोरिक। सो गैब्रियल बोरिक फॉन्ट को अपॉइंट किया गया है चिली का न्यू प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट है हॉन्डुरस, और हॉन्डुरस के प्रेसिडेंट हैं न्यूली अपॉइंटेड ज़ियोमारा कैस्ट्रो, और ये भी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट हैं। ओके, तो आप देख सकते हो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन है, ज़ियोमारा कैस्ट्रो। अब हॉन्डुरस की बात हो रही है, तो हॉन्डुरस यानी कि होंडा। सो अगर आपको होंडा बाइक लेनी है ना, तो भाई आपको कैश तो पे करना ही पड़ेगा, तो कैश यानी कि कैस्ट्रो, तो बिना कैश के तो होंडा बाइक मिलेगी नहीं, तो कैस्ट्रो यानी कि ज़ियोमारा कैस्ट्रो। ओके, नेक्स्ट है जापान, और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं न्यूली अपॉइंटेड फ्यूमियो किशिदा। अब यहाँ पे क्या लिखा है ना, जापान, ठीक है, तो जापान की बात हो रही है, तो यानी कि हमें रिलेट करना है ना पान से। तो आजकल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पान आते हैं, तो कुछ पान ऐसे होते हैं ना जिसमें से धुआं जैसा निकलता है, धुआं यानी कि फ्यूम जैसा निकलता है, तो फ्यूम यानी कि फ्यूमियो किशिदा। ओके, सो प्राइम मिनिस्टर जो न्यूली अपॉइंटेड हैं जापान के, वो कौन है, फ्यूमियो किशिदा, राइट। नेक्स्ट है ट्यूनीशिया, और ट्यूनीशिया के न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर हैं नज़ला बोदेन।
ओके अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है ना, ट्यूनेशिया। तो ट्यूनेशिया से हमें कैसे ध्यान रखना है, ट्यूनेशिया यानी कि ट्यूनिंग। सो अगर आप कहीं पे किसी भी कंपनी में, अच्छी कंपनी में जॉब करते हो ना, तो क्या कहा जाता है कि वहाँ पे जॉब करने के लिए, टिके रहने के लिए आपको ट्यूनिंग बना के रखनी पड़ती है। ट्यूनिंग बना के किसके साथ रखना पड़ेगा, अपने कलीग्स के साथ, है ना। तो ट्यूनिंग बना के रखना पड़ेगा कलीग्स के साथ, उनसे जलना नहीं आपको। तो क्या नहीं करना है, उनसे आप ना जलो, उनसे आप ना जलो, ट्यूनिंग बना के रखो। तो ना जलो यानी कि नज़ला बाउजेन, ओके। सो ट्यूनेशिया के न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर कौन बनाए गए हैं, नज़ला बाउजेन, ओके। नेक्स्ट है गैम्बिया, और गैम्बिया के प्रेसिडेंट जो न्यूली अपॉइंट किए गए हैं वो हैं एडमा बैरो, ओके। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है ना, एडमा बैरो जो री एलेक्ट किए गए हैं। तो गैम्बिया यानी कि कैसे ध्यान रखना है हमें, गैम्बिया यानी कि गम। तो हम गम में डूबे हुए हैं ना कि यार बिजली का बिल ना बहुत ज़्यादा आ गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा आया तो है लेकिन भरना तो पड़ेगा ही। तो भरना तो पड़ेगा यानी कि भर, यानी कि भरो। तो भरो यानी कि बैरो, सो एडमा बैरो, ओके। सो एडमा बैरो को अपॉइंट किया गया है, कहाँ का प्रेसिडेंट, गैम्बिया का, ओके। नेक्स्ट है माल्टा, और माल्टा के प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं, रॉबर्ट अबेला। अब माल्टा की बात हो रही है ना, तो माल्टा किसकी तरह दिखता है, ऑरेंजेस की तरह दिखता है, है ना। और ऑरेंज खाने में कैसे लगते हैं, बिल्कुल खट्टा मीठा। तो खट्टा मीठा यानी कि अलबेला लगते हैं। तो अलबेला यानी कि अबेला, रॉबर्ट अबेला। सो रॉबर्ट अबेला को अपॉइंट किया गया है माल्टा का न्यू प्राइम मिनिस्टर, ओके। नेक्स्ट है नॉर्वे, और नॉर्वे के न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं जॉन्स गेर स्टोर, ओके। अब यहाँ पे नॉर्वे की बात हो रही है ना, तो बस कैसे ध्यान रखना है, नॉर्वे से क्या समझ में आ रहा है, नॉर्वे यानी कि नोवे। तो आप अपने फ्रेंड से कह रहे हो यार अब कोई रास्ता नहीं है घर जाने का, तो अब स्टोर में रहना पड़ेगा। तो घर जाने का अभी कोई वे नहीं है, स्टोर में ही रहना पड़ेगा। तो गेर स्टोर, सो जॉनस गेर स्टोर को अपॉइंट किया गया है नॉर्वे का न्यू प्राइम मिनिस्टर, ओके। नेक्स्ट है मालदोवा, और मालदोवा के न्यू प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया है मायो सैंडू। अब यहाँ पे क्या लिखा है ना, मालदोवा। तो मालदोवा से क्या समझ में आ रहा है ना, मालढोवा, माल ढोना या मालढोवा। तो माल जब हम कम ढोते हैं ना, यानी कि किस दिन हम ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा सामान लाते हैं, ज़्यादा माल ढोते हैं, तो संडे के दिन। तो संडे हम फिक्स करके रखते हैं कि सारा काम हम संडे को करेंगे, क्योंकि उस दिन हमारी होती है छुट्टी। तो माल ढोना यानी कि माल हम कब ढोएंगे, संडे को। तो संडे यानी कि सेंडू, सो माया सेंडू, ओके। नेक्स्ट है बारबाडोस, और बारबाडोस की न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट की गई है मिया मोटले, और प्रेसिडेंट भी न्यू अपॉइंटेड है, कौन है, डैम सांद्रा मासोफ, ठीक है। और डैम सांद्रा मासोफ फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट हैं, ये भी बारबाडोस की। अब किसकी बात हो रही है ना, बारबाडोस। तो पहले हम प्राइम मिनिस्टर याद रखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा है ना, बारबाडोस यानी कि डोसा। तो डोस से क्या याद रखना है हमें, डोसा। और बारबा यानी कि बार बार जब हम डोसा मंगा रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली वो हमें कॉस्टली पड़ेगा। तो बार बार जब हम डोसा मंगाएंगे तो वो महंगा हमें लगेगा, तो कॉस्टली पड़ेगा। तो कॉस्टली यानी कि मोटली, तो कौन हो जाएंगी, मियाँ मोटली हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है यहाँ के प्रेसिडेंट, फिर से हमें कैसे ध्यान रखना है ना कि बार बार डोसा। तो बार बार डोसा हम तभी मंगाएंगे जब वो बहुत अच्छा होगा, अच्छा होगा, बढ़िया लगेगा खाने में, यानी कि जब वो बिल्कुल शानदार होगा खाने में। तो शानदार से क्या हो जाएगा, सैंड्रा। सो डेम सैंड्रा मैसोफ को अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट, कहाँ का, बारबाडोस का, राइट। नेक्स्ट है कोस्टा रिका, और कोस्टा रिका के न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट हैं रोड्रिगो चावेस रॉबल्स। अब फिर से हमें कैसे ध्यान रखना है ना, कोस्टा रिका, तो कॉस्ट किसकी, राइस की। तो अगर कॉस्ट बढ़ जाएगी ना राइस की, तो भाई सब लोग रेबल करने लगेंगे, सब लोग विरोध करेंगे, इतना ज़्यादा प्राइस हाई हो गया, ठीक है, जैसे आजकल हो रहा है। तो सब लोग क्या करेंगे, रेबल करेंगे। तो रेबल यानी कि रॉबल्स, तो क्या हो जाएगा, रोड्रिगो चैव्स रॉबल्स। तो रोड्रिगो चैव्स रॉबल्स को अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट, कहाँ का, कोस्टा रिका का, ओके। नेक्स्ट है इस्टोनिया, और इस्टोनिया के प्रेसिडेंट जो न्यूली अपॉइंटेड है वो है एलर कैरिस, ओके। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है ना, इस्टोनिया। तो हमें कैसे ध्यान रखना है, इस्टोनिया यानी कि इस टोन में। सो इस टोन में गाना गाने वाला ना करिश्मा दिखा देगा, तो करिश्मा से क्या हो जाएगा, करिश्मा यानी कि कैरिस। सो एलर कैरिस को अपॉइंट किया गया है इस्टोनिया के न्यू प्रेसिडेंट, ओके। नेक्स्ट है उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान के न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं शावकत मिर्ज़ियोयेव। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, उज्बेकिस्तान। तो कैसे ध्यान रखना है, उज्बेक किसान, तो बेक किसान। तो इस किसान क्या कर रहा है ना, बेक कर रहा है। तो किसान, बेक किसान, तो किसान बेक कर रहा है मिर्ची। तो मिर्ची यानी कि मिर्ज़ियोयेव। सो शावकत मिर्ज़ियोयेव को अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट, कहाँ का, उज्बेकिस्तान का, राइट। नेक्स्ट है चेक गणराज, और चेक गणराज के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है पीटर फियाला को। अब यहाँ पर क्या लिखा है ना, चेक गणराज। सो इस रिपब्लिक वर्ड में
किसी को भी चेस किया जा सकता है। तो कैसे ध्यान रखना है, इस रिपब्लिक वर्ड में ना किसी को भी चेस किया जा सकता है। तो चेक यानी कि चेस, अब चेस हम मेनली क्यों करते हैं, पीटने के लिए, पिटाई करने के लिए, तो पीटर यानी कि पीटर फियाला हो जाएगा। ओके, सो प्राइम मिनिस्टर जो न्यूली अपॉइंटेड है चेक गणराज्य के, कौन है, पीटर फियाला, राइट। नेक्स्ट है इटली, और इटली के न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट हैं सर्जियो मट्टरेला। ओके, जो फिर से रीएलेक्ट हुए हैं। अब किसकी बात हो रही है, इटली की, तो इटली को हमें रिलेट करना है एज अ इडली, राइट। सो इडली ना डिफरेंट टाइप की बनाई जाती है, तो इस बार जो इडली है ना ये, इस इडली में मटर भी मिक्स है, यानी कि ये वाली जो इडली है इसमें मटर मिक्स है, तो मटर से क्या हो जाएगा, मट्टरेला। सो सर्जियो मट्टरेला को अपॉइंट किया गया है फिर से इटली का न्यू प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट है अल्बेनिया, और अल्बेनिया के न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं बजराम बेगास। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है ना, अल्बेनिया, तो अल्बेनिया, तो हमें कैसे ध्यान रखना है ना कि अल्बेनिया यानी कि ऑल बढ़िया, तो अल्बेनिया यानी कि ऑल बढ़िया, तो जितने भी बढ़िया इंसान होते हैं ना वो बैगर्स की मदद करते हैं, जितने भी बढ़िया इंसान होंगे वो बैगर्स की मदद करेंगे, तो बैगर यानी कि बैगेस। सो बजराम बैगेस को अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट कहाँ का, अल्बेनिया का, राइट। नेक्स्ट है सोमालिया, और सोमालिया के न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर है हमजा अब्दी बरे, और न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट हैं हसन शेख मोहम्मद। सो सबसे पहले हम प्राइम मिनिस्टर को ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा है ना, सोमालिया, तो मालिया, आलिया यानी कि आलिया भट्ट, तो आलिया से हमें रिलेट करना है आलिया भट्ट। ओके, तो जब अगर आप आलिया भट्ट के घर उनसे मिलने जाओगे तो क्या वो आपसे मिलेंगी, तो वो बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि भाई वो हमसे नहीं मिलेगी, क्योंकि वो बड़ी एक्ट्रेस है, वो क्या है, बड़ी एक्ट्रेस है, हमसे नहीं मिलेगी। तो हमसे यानी कि हमजा, क्योंकि वो बड़ी एक्ट्रेस है, तो बड़ी यानी कि अब्दी बरे। सो बस हमजा अब्दी बरे को अपॉइंट किया गया है सोमालिया का न्यू प्राइम मिनिस्टर। अब बात हो रही है प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट को हिंदी में क्या कहते हैं ना, राष्ट्रपति कहते हैं। ओके, तो क्या कहते हैं, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति यानी कि पति। सो आलिया का जो पति है ना, तो जो आलिया भट्ट है अपने पति के साथ शेख पी रही है, तो शेख यानी कि हसन शेख मोहम्मद, राइट। सो हसन शेख मोहम्मद को अपॉइंट किया गया है न्यूली प्रेसिडेंट कहाँ का, सोमालिया का, राइट। नेक्स्ट है श्रीलंकन, और श्रीलंका का न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर है रानिल विक्रम सिंघे, ठीक है। तो रनिल विक्रम सिंघे को अपॉइंट किया गया है श्रीलंका का न्यू प्राइम मिनिस्टर। अब हमें कैसे ध्यान रखना है, यहाँ क्या लिखा है ना, लंका, तो श्रीलंका, सो कि लंका में रावण रानी सीता को उठा के ले गया था, तो रानी यानी कि रनिल विक्रम सिंघे। ओके, सो रनिल विक्रम सिंघे को अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका का। नेक्स्ट है यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसके न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। अब किसकी बात हो रही है, अरब अमीरात। सो जो भी अरब और अमीरात होंगे ना, जो भी लोग अमीर होंगे, तो उनके पास जायदाद तो ज़रूर होगी, तो जायदाद यानी कि जायद। सो बस कौन हो जाएगा, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, राइट। नेक्स्ट है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ। ओके, अब बात हो रही है यहाँ पे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान कई सारे काम करता रहता है, तो पाकिस्तान बार बार इंडिया को परेशान करता है, और परेशान करने के बाद क्या कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, यानी कि अपने आप को शरीफ प्रूफ करने में लगा रहता है, तो शरीफ यानी कि शहबाज शरीफ। सो शहबाज शरीफ को अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का। नेक्स्ट है आइवरी कोस्ट, और आइवरी कोस्ट के न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर हैं पैट्रिक एची। अब आइवरी कोस्ट लिखा है ना यहाँ पे, तो बस कैसे ध्यान रखना है, आइवरी कोस्ट यानी कि आइवरी यानी कि आई वोर, तो मैंने क्या पहना, आई वोर यानी कि मैंने पहना पैंट, और पैंट पहनने के बाद ना मुझे ईचिंग होने लगी, पैंट पहनने के बाद मुझे होने लगी ईचिंग, सो पैंट और ईचिंग, सो पैट्रिक एची। सो पैट्रिक एची को अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर आइवरी कोस्ट का, राइट। नेक्स्ट है फ्रांस, और फ्रांस के न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट हैं एमैनुअल मैक्रोन। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे, फ्रांस की, तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है ना, फिर से जैसे अभी हमने प्राइम मिनिस्टर को ध्यान रखा था, तो फ्रांस यानी कि फ्राई, तो फ्रांस। ओके, सो फ्राई किया जा रहा है मैक्रोनी को, तो मैक्रोनी को फ्राई कर रहे हैं प्रेसिडेंट के लिए, तो फ्राई कर रहे हैं मैक्रोनी को प्रेसिडेंट के लिए, सो इमैनुअल मैक्रोन हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। अब किसकी बात हो रही है, इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया से क्या समझ में आ रहा है, इंडो डो यानी कि दो, और जो भी प्रेसिडेंट है ना, तो वो भी क्या है, डोडो ही है, तो उनके नाम में भी दो आ रहा है, तो दो यानी कि डोडो, सो जोको विडोडो हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट है नेपाल, और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर न्यूली अपॉइंटेड हैं शेर बहादुर देउबा। अब नेपाल लिखा है ना, तो फिर से हमें कैसे ध्यान रखना है, नेपाल यानी कि क्या कहा जा रहा है ना, यार नाग को वही पाल सकता है जो शेर जैसा बहादुर हो, तो नाग को वही पाल जो शेर जैसा बहादुर, तो शेर बहादुर देउबा। ओके,
नेक्स्ट है इसराइल, और इसराइल के न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हैं येर लापिद और आइजैक हर्जोग। अब किसकी बात हो रही ना, इसराइल की। तो इसराइल से हमें कैसे ध्यान रखना है, इसराइल यानी कि रेल, ओके। और इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी ये 1 जुलाई को ही अपॉइंट किए गए हैं। तो रेल की बात हो रही है ना, तो रेल ना कैसे चलती है, रैपिड रैपिड चलती है, तेज तेज। तो रैपिड यानी कि लैपिड, सो येर लैपिड, ओके। अब रेल में ना कई टाइप के लोग रहते हैं, यानी कि हजारों लोग आपको रेल में मिलते हैं। तो हजार यानी कि हर्जोग, ओके। तो रेल में हजारों लोग ट्रेवल करते हैं, तो क्या हो जाएगा, हर्जोग। सो आइजैक हर्जोग को अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट कहाँ का, इसराइल का, राइट। नेक्स्ट है फिलीपींस, और फिलीपींस के न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट हैं फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। अब फिलीपींस की बात हो रही है ना, तो कैसे ध्यान रखना है, फिलीपींस यानी कि फिल हो गया पाइप। अगर घर का कोई पाइप फिल हो गया ना, तो भाई उसके फटने का भी डर हो सकता है। तो फटना यानी कि फर्डिनेंड, फटना यानी कि फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। सो फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर को अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट कहाँ का, फिलीपींस का, राइट। नेक्स्ट है कोलंबिया, और कोलंबिया के न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट है गुस्तावो पेट्रो। अब कोलंबिया की बात हो रही है, तो लंबिया, तो लंबा कौन, तो जो भी इंसान लंबा होता है ना, तो वो कहीं भी घुस जाता है। तो क्या कहते हैं ना लंबे इंसान के लिए, जो इंसान लंबा और पतला हो तो कहीं भी घुस जाता है। तो घुस यानी कि गुस्तावो पेट्रो, राइट। नेक्स्ट है साउथ कोरिया, और साउथ कोरिया के न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट हैं यू सोंग योल, ओके। अब साउथ कोरिया की बात हो रही ना, तो कैसे ध्यान रखना है कि साउथ से साउथ हो जाएगा, और कोरिया यानी कि कार, तो कर यानी कि कोरिया, ओके। तो अगर आप साउथ कार से जा रहे हो ना, तो भाई रास्ते में जाते जाते आपका सारा सुख गोल हो जाएगा। तो सारा सुख गोल यानी कि सुख योल, तो यू सोक योल को अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट साउथ कोरिया का, राइट। नेक्स्ट है कोस्टा रिका, और कोस्टा रिका के न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट है रॉड्रिगो चेफ्स रॉबर्स। और अभी हमने इसे पीछे भी देखा था, तो हमने इसे कैसे ध्यान रखा था, कोस्टा रिका यानी कि अगर कॉस्ट बढ़ गई राइस की, सो सब लोग रैबल करेंगे, तो रैबल करेंगे, विद्रो करेंगे, तो क्या हो जाएगा, रॉड्रिगो चेफ रॉबर्स, राइट। सो जून एंड जुलाई में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट और पीएम अपॉइंट किए गए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, उसे मैंने यहाँ पर कवर किया है। एंड आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ और याद भी हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और पीडीएफ के लिए आप लर्न विद ट्रिक्स चैनल से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।